में स्मोक कंट्रोल करने के लिए धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। रवा साल के दौरान खिलाफ वर्जी पर 54,000 गाड़ियों के चालान जबकि 561 गाड़ियों को बंद किया गया। मजीद जान लेते हैं, मिर्जा रमजान बेग हमारे साथ मौजूद हैं। रमजान बेग बताएगा इस सिलसिले में क्या कार्रवाइयां मजीद की जा रही हैं। जी बिल्कुल, सुबाही दारुल हुकूमत लाहौर में सिटी लाहौर की जान से स्मोक क्रैक डाउन किया जा रहा है और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां उनके खिलाफ जो है बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन का ये कहा गया है। और 54,770 जो गाड़ियों को चलान टिक्स भी जारी किए गए हैं जबकि रवा साल के दौरान 54,000 जो गाड़ियों व्हीकल जो दीगर व्हीकल हैं उनके चालान भी जारी किए गए हैं और खतरनाक धुआं छोड़ने वाली 561 गाड़ियां भी बंद की गई हैं और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 2,000 के चालान टिक्स जारी किए गए हैं और शहर के दाखिली व खारजी रास्तों बस अड्डो ज्वाइंट ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं और खसूसी नाका जाल लगाए जा रहे हैं कि जो जो गाड़ी धुआं छोड़ती है उसको फौरी तौर पर पकड़कर उनके मालकान को हवालात में बंद किया जाए और इनको बाकायदा तौर पर चलान टिक्स वो भी जारी किए जाए। गाड़ियों से निकलने वाला मुद्दे से धुआं स्मोक का बायस बन रहा है, एहतियाती तदाबीर अपनाने से स्मोक के खतरा से बचा जा सकता है और सीटी लाहौर का ये भी कहना है कि मौलियती आलूदगी और स्मोक से इंसान को सांस लेने में दुश्वारी, नाक कान गले की बीमारियां जैसा अंदेशा था जिसके खिलाफ बड़े पैमाने पर आइंदा भी क्रैकडाउन जारी रहेगा। जी रमजान बेग, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।